सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन अभी जो चल रहा है, ये चल रहा है नजफगढ़ और कापसखेड़ा को नीचे से अंडरपास दिया जा रहा है और ऊपर इसके ऊपर से जाएगा द्वारका एक्सप्रेस वे। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, पैकेज टू ख़त्म हो जाता है और यहाँ से पैकेज वन स्टार्ट हो जाता है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि दोनों साइड में देख सकते हैं, ये सर्विस लाइन का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है राइट हैंड वाला, और इसका ये द्वारका एक्सप्रेस का ये मेन अलाइनमेंट है मेरे लेफ्ट वाला, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है वो इसके दो पैकेज तो जय कुमार के पास हैं, दो पैकेज द्वारका एक्सप्रेस वे के L&T के पास में गए। तो पैकेज थ्री पैकेज फोर ये खिड़की दौला में यानी कि गुरुग्राम में हरियाणा में पड़ता है, और दो जो जय कुमार के पास दो पैकेट हैं वो आपको दिल्ली में पड़ते हैं गाइस। जो दिल्ली का पार्ट है वो तो जय कुमार कर रही है यानी कि फर्स्ट और सेकंड पैकेज में, और थर्ड फोर्थ पैकेज में कर रही है L&T काम जो कि गुरुग्राम में पड़ता है, खिड़की दौला में यानी कि हरियाणा राज्य में पड़ता है गाइस। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये बायोडक्ट पहले ही क्लियर कर लिया जा चुका था, और यहाँ से निकलते हुए आपको हम ले चलेंगे शिव मूर्ति महिपालपुर। तो आप लोग बने रहिए के पी संत के साथ हमारे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस के पी संत आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता गाइस। तो आप लोगों को आगे बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग बने रहिए एंड तक और आपको करते हैं इंटरटेन। तो देख सकते हैं इधर जय कुमार ने आपको बता दूं कि इधर इन्होंने चार चार पिलर बनाए हैं, दो पिलर उस साइड में, दो पिलर इस साइड में, यानी कि अलग अलग अलाइनमेंट है। फोर लेन इस साइड में मिलेगी, फोर लेन उस साइड में मिलेगी, ये जय कुमार बना रही है, जो कंपनी है जय कुमार वो बना रही है। और यहाँ से देख सकते हैं ये शिवमूर्ति महिपालपुर के लिए कर्ब ले लेगा राइट में, और हम चलेंगे राइट से ये लेफ्ट में होके। तो आप लोग देख लो कि जब मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था तो यहाँ पर ये वर्क चल रहा था। तो देख सकते हैं दोनों इस तरीके से इन्होंने घुमाया है,
फोर लेन इस साइड में मिलेगी और फोर लेन इस साइड में मिलेगी, लेकिन इस पर अभी आपको बता दूँ सर्विस लेन नहीं है इस साइड में, वो है उसी साइड में सर्विस लेन दिया गया। और आपको बता दूँ गाइस के जो सामने वाला स्ट्रक्चर चमक रहा है वो सामने वाला वो है UR2 जो कि सोनीपत पानीपत से आ रही है लाइन नरेला होते हुए और ये यहाँ पर आके इसका एंड होता है। तो ये द्वारका के अंदर से होता हुआ चला जाता है नरेला होते हुए पानीपत सोनीपत के लिए, ये UR2 अर्बन एक्सप्रेस वे। तो यहाँ से इसको कनेक्टिविटी दी जाएगी। अभी तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि कितने यहाँ पर सारे लॉन्चर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे इस जगह पर। और यहाँ से ये द्वारका स्टार्ट हो जाता है अंदर के लिए, ये गाड़ियाँ जा रही है द्वारका के अंदर के लिए जा रही हैं, उधर ही से ये UR2 एक्सप्रेस वे आ रहा है सोनीपत पानीपत से गई। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि अभी बहुत सारा काम है और इसको अभी राइट में भी यानी कि गुड़गांव की साइड में भी अभी जोड़ा जाएगा अलाइनमेंट को। तो ये एक तो शिव मूर्ति महिपालपुर के लिए चला जाएगी सीधे, ये सीधा चला जाएगा, और ये लेफ्ट में आपको बता दूं गुरुग्राम के लिए चला जाएगा। तो इसमें अभी रैंप भी बनाए जा रहे हैं इस पर ऊपर चढ़ने के लिए उतरने के लिए, और इसका एलिवेटेड पार्ट भी बनाया जा रहा है गाइस। तो आप लोग बताओ कि वीडियो कैसा लगा केपी संत का, अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत के चैनल पर देखते रहो गाइस। अब यहाँ से आपको दो लाइन देखने के लिए मिलेंगी, एक तो ये अर्बन एक्सप्रेस वे है और दूसरा आपका द्वारका एक्सप्रेस पे है। दोनों की कनेक्टिविटी यहीं पे दी रखी है इसी जगह पे। तो इसमें आपको बता दूं कि यहाँ से चारों साइड में यहाँ से ट्रैफिक डिवाइड हो जाता है गाइस, क्यों आपको एयरपोर्ट के लिए भी लाइन चली जाएगी, आपकी द्वारका के लिए भी चली जाएगी और इधर आपका गुड़गांव के लिए भी चला जाएगा, देख सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्चर अभी जोड़ रहा है यहाँ पर, ये कनेक्ट कर देगा और फिर ये सीधा निकल जाएगा गुड़गांव के लिए। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। तो ये गुड़गांव के लिए चला जाता है इधर राइट वाला, और लेफ्ट वाला ये चला जाता है शिव मूर्ति महिपालपुर की तरफ यानी कि एयरपोर्ट की साइड में गाइस। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, है कंस्ट्रक्शन, कितना सारा कंस्ट्रक्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है इस केपी संत के वीडियोज़ में, और केपी संत आप लोगों को ऐसे ही दिखाता और बताता रहता है, बिल्कुल रियलिटी दिखाता है, कोई कॉपीराइट कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं पुरानी वीडियो डालता हूँ ना मैं किसी और की डालता हूँ, खुद का कंटेंट डालता हूँ, खुद में इतनी हिम्मत रखता हूँ जाने की और आप लोगों को दिखाने की गाइस। तो एंजॉय करो आप। दोस्तों आपको बता दूँ ये आ रहा है शिव मूर्ति महिपालपुर की तरफ से, तो यहाँ पर देख सकते हो ये रैंप बनाने का काम चल रहा है और इसको बायोडक्ट को इनने जोड़ दिया है। आपको बता दूँ ये बायोडक्ट है, ये अर्बन एक्सप्रेस वे का है और वो वाला अलाइनमेंट है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे का, देख सकते हैं दो लॉन्चर यहाँ पर लगे हुए हैं और ये शिव मूर्ति महिपालपुर की तरफ से आ रहा है वो उस साइड, और इस तरीके से ये कर्ब ले लेगा द्वारका के लिए चला जाएगा सीधा। आपको बता दूं गुरुग्राम में जहाँ पर ये एंड होता है खिड़की दौला जो टोल प्लाजा है वहाँ पर जाके इसका एंड हो जाएगा, तो वो उधर से घूम जाएगा और ये चला जाएगा आपको बता दूँ सोनीपत पानीपत के लिए, ये वाला ये सोनीपत पानीपत के लिए चला जाता है देख सकते हो। और यहाँ पर ये अभी रैंप बनाया जा रहा है, इस रैंप को ऊपर चढ़ने के लिए यानी कि सोनीपत पानीपत चढ़ने के लिए ऊपर चला जाएगा ये वाला रैंप। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर गाइस। तो देख सकते हो आप लोगों के बीच में मैं कितनी मेहनत करके और आप लोगों को वीडियो बना कर देता हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि गंदे गंदे कमेंट करते हो, हमारा हौसला गिरा देते हो बिल्कुल। कम से कम आपको नहीं देखना तो हौसला तो मत गिराओ, मेरी कोशिश यही रहती है, आप लोग जब कमेंट करते हो तो हमें इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। जब आप लोग कमेंट करके हमें बताते हो कि सर मुझे यहाँ का वीडियो चाहिए, इस टाइप का वीडियो बना कर दो, उस जगह का वीडियो बना, तो मेरा और भी मन करता है काम करने का। लेकिन आप लोग थोड़ा सा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना तो खुद कुछ करना चाहते हैं ना दूसरे को करना देना चाहते हैं,
तो ऐसे लोग कमेंट करते हैं गंदे गंदे, तो मेरी गुजारिश है कि भाई ऐसे कमेंट ना करें। आप लोगों के बीच में देखो मैं कितनी कोशिश करके और आप लोगों के बीच में मैं वीडियो बनाता हूँ, तो ये देख सकते हो जैसा कि मैंने बताया शिव मूर्ति महिपालपुर से ये आ रहा है ये वाला, और देखो ये लॉन्चर लगा हुआ है, ये बायोडक्ट कनेक्ट करता हुआ और ये निकल जाएगा खिड़की दौला गुरुग्राम के लिए, यानी कि जयपुर हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा और यही जाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दूं कि बगल में ही है मेरा एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, तो वहीं से ये हवाई जहाज़ आ रहे हैं उड़ उड़ के, तो इसकी इनकी आवाज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, और देख सकते हो आपको चारों तरफ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वो वाला पार्ट तो देखो कनेक्ट कर दिया है, ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ये देख सकते हो ये वाला बचा हुआ है। आगे जैसा कि मैंने बताया सोनीपत पानीपत नरेला होते हुए और ये निकल जाएगा आपको बता दूँ चंडीगढ़ के लिए, ठीक है गाइस। तो आप लोग बताओ कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखने के लिए केपी संत को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी वीडियोस को शेयर करो जहाँ भी आप कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो दोस्तों, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा आप लोगों के बीच में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आप लोग देख के लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हो कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस जगह पे जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, और आप लोगों को नई साल से आप लोगों को दो रूट और भी मैं कनेक्ट करने वाला हूँ, एक तो अर्बन एक्सप्रेस वे का जो UR2 का है, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आप लोगों को नई साल से देखने के लिए मिलेगा आप लोगों के बीच में केपी संत के चैनल पर, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो केपी संत को। तो चलिए चलते हैं और आगे का आपको दिखाते हैं, शिव मूर्ति महिपालपुर तक का आपको दिखाते हैं चल गए कि वहाँ पर टनल बनाई जा रही है, टनल इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि बगल में है एयरपोर्ट, तो इसीलिए टनल बनाई गई है दोनों साइड में, और जैसे ही एयरपोर्ट ख़त्म होता है वैसे ही यहाँ पर ये एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट हो जाता है दोस्तों देखने के लिए आप लोगों को, कि अगर हम सीधे सीधे जाएंगे तो ये द्वारका के अंदर से निकलता हुआ जा रहा है, तो वही चीज़ है, तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो। तो चल तो मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा वीडियो गाइड।